हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। 10 लाख सरकारी नौकरी, जी हाँ दोस्तों, 1.5 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरियां यहां पे आने वाली है। आप लोग देख सकते हो यह आज की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है और बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियल खबर निकल के आ रही है। पीएमओ इंडिया की तरफ से नई अपडेट, नरेंद्र मोदी की तरफ से यह नई अपडेट निकल के आ रही है। सरकार ने ली युवाओं की सुध, रोजगार रस, 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभागों में 1.5 साल में होगी भर्ती। ये दोस्तों अब तक के लिए सबसे बड़ी खबर है। इसमें बहुत सारे पोजीशन है, नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, टीसी, ग्रुप डी, रेलवे की भी यहाँ पे वैकेंसी है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में, केंद्रीय विभागों में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी तक जो है 10 लाख पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों इंजीनियरिंग, नर्सिंग क्षेत्र, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, टीचिंग की भी यहां पर वैकेंसी। तो टोटल यहां पर 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभागों में 1.5 साल के अंदर भर्ती होने वाली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो एक एक करके दोस्तों सारी जानकारी देंगे। मिशन मोड पर की जाएगी भर्ती, यह अब तक की बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्रधानमंत्री ने दिए निर्देश, मिशन मोड पर दोस्तों यह सभी भर्तियां की जाएगी और आने वाले 1.5 साल के अंदर जो है 10 लाख पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो किस विभाग में भर्ती होगी, कितनी वैकेंसियां हैं और कब तक भर्ती होगी, आगे की प्रूफ क्या, मैं आपको जानकारी दूंगा। और पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट यहाँ पर किया है जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। अमर उजाला ई पेपर में आज दोस्तों 15 जून आज की डेट में आप लोग देखिए, सबसे पहले पेज नंबर 1 पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहां पे देख सकते हो अमर उजाला ई पेपर, जी हां सरकार ने ली युवाओं की सुध, रोजगार रत, 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभागों में 1.5 साल में होगी भर्ती। यहां पे आप लोग देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिए निर्देश, मिशन मोड पर की जाए भर्तियां। 5 प्रमुख मंत्रालयों में 92% कर्मचारी है ना, नई दिल्ली, अमर उजाला ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने यह निर्देश दिए। वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग की ताज़ा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कुल नियमित सिविल कर्मचारियों की संख्या 1 मार्च 2020 तक 31.91 लाख थी, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 40.78 लाख है। करीब 21.75% यानी कि 8.87 लाख पद यहां पे खाली हैं। सरकार में खाली पदों का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। अगले 18 महीनों में 10 लाख पद भरे जाने का अर्थ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की काट के लिए ठोस जवाब होगा। बेरोजगारी पर भाजपा विपक्ष के आरोपों को लगातार यह कहकर खारिज करती रही है कि सरकार के कार्यक्रमों से देश में उद्यमिता व रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। पिछले विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने बेरोजगारी के मुद्दों को जोर शोर से यहां पे दोस्तों उठाया था, लेकिन भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं और विकास के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखते हुए विपक्षी हमले का जवाब देने में सफलता हासिल की थी। बाकी यहां पे आप लोग देखिए तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनका क्या कहना है, तो इनका कहना है कि युवाओं को मिलेगी नई उम्मीद, पीएम मोदी के फैसले से युवाओं में नई आशा और विश्वास का संचार होगा। पीएम मोदी लगातार देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो नए भारत का आधार है। शिक्षा संस्थानों में जल्द भरे जाएंगे पद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पद जल्द से जल्द
जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो शिक्षण संस्थान है, केंद्रीय विद्यालय है और जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के पदों पर जल्द ही जल्द दोस्तों भर्ती की जाएगी। यह आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा देखोगे तो नौकरियों पर न्यूज बनाने में विशेषज्ञ, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। प्रधानमंत्री नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं राहुल गांधी, कांग्रेस नेता। आप लोग यहां पे देख सकते हो। बाकी आप लोग दोस्तों ऊपर चेक करोगे तो बोला जा रहा है कि रेलवे अगले 1 साल में करेगा 1,48,463 भर्तियाँ। रेलवे ने ऐलान किया है कि अगले 1 साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती की जाएगी, जबकि रेलवे में 8 वर्षों में सालाना औसतन 43,678 लोगों की भर्ती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय ने मिशन मोड पर खाली पद भरने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम ने अहम जन केंद्रित निर्णय किया है जो रोजगार परिदृश्य को और मजबूत करेगा व युवाओं में उत्साह लाएगा। बाकी यहाँ पर देखो कि 5 प्रमुख मंत्रालयों में 92% कर्मचारी, जिसमें यहाँ पर अलग अलग जानकारी दी गई है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आज तक ने जो है ट्वीट किया है, ऊपर देख सकते हो, आज तक 7 घंटे पहले इन्होंने दोस्तों ट्वीट किया है कि मोदी सरकार आने वाले वक्त में नौकरियां देने पर मिशन मोड पर फोकस करेगी। पीएम मोदी ने खुद निर्देश दिया है कि आने वाले 1.5 साल में करीब 10 लाख भर्तियां की जाएं। इन लोगों को सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में काम मिलेगा। प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि सरकार आने वाले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नीचे आओगे तो अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां, सरकार का ऐलान। यहाँ पे जो है इनका आप लोग रिट्वीट देख लो। सबसे पहले बता दें यहाँ पे आप लोगों को जॉब इंडिया, दोस्तों जॉब इंडिया का यूट्यूब चैनल जो था जॉब इंडिया का, अब यहाँ पे ऑफिशियल दोस्तों ट्विटर अकाउंट भी आ चुका है। तो अभी आपने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है जॉब इंडिया को, तो जाके फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ पे आपको आने वाले जॉब के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे ट्विटर पर आंदोलन करेंगे, तो इसलिए आप लोग फॉलो कर लो। तो जॉब इंडिया, आप लोग ट्विटर पर जॉब इंडिया 12 जो सर्च कर सकते हैं, या आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जॉब इंडिया को फॉलो कर लो, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ट्यूट पीएमओ इंडिया, पीएमओ इंडिया का दोस्तों ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे रिव्यू किया है, जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे मिनिस्ट्रीज हैं एंड जो भी यहाँ पे HRD डिपार्टमेंट है, उसका इन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिव्यू किया है। और रिव्यू करने के बाद जो है इन्हें निर्देश दिया है रिक्रूटमेंट के लिए 10 लाख, जी हाँ दोस्तों 10 लाख यहाँ पे सरकारी नौकरी आने वाली है। और ये दोस्तों मिशन मोड के तहत जो है आने वाले 1.5 साल के अंदर यहाँ पे भर्ती की जाएगी। यह पीएमओ इंडिया की तरफ से रिट्वीट किया गया है, ट्वीट किया गया है 9:27 AM पर 14 जून 2022 को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, न्यूज़ मैंने आपको दिखा दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, 10 लाख सरकारी नौकरी आने वाली है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर दें। धन्यवाद।